भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेले जा रहे पहले मैच का तीसरा दिन समाप्त हो गया। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही रूट ने जडेजा को पवेलियन भेजा। ये क्या है? जडेजा ने 87 रन की दमदार पारी खेली। इसके बाद ओवर की अगली ही गेंद पर रूट ने बुमराह को पवेलियन रवाना किया। इसके बाद रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को 44 रन पर आउट किया। भारत की पहली पारी 436 रन पर सिमट गई और टीम ने पहली पारी में 190 रन की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड की ओर से रूट ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट अपने नाम किए। रेहान अहमद और टॉम हार्टली ने 2-2 विकेट लिए। इसके अलावा जैक लीच ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी रही। टीम ने 45 रन पर अश्विन के हाथों जैक क्राउली के रूप में पहला विकेट गंवाया। इसके बाद बुमराह ने अपनी लहराती गेंद पर बेन डकेट को 47 रन पर क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह की इस गेंद पर ऑफ स्टंप का डंडा उखड़कर बाहर गिर गया था। इसके बाद रूट से बुमराह ने अपना बदला लेते हुए उन्हें 2 रन पर आउट किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार फिर अश्विन ने बेन स्टोक्स को 6 रन पर आउट करते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। स्टोक्स सबसे ज्यादा बार अश्विन की गेंद का निशाना बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो 12 बार अश्विन की गेंद पर धोखा खा चुके हैं। इंग्लैंड की ओर से ओली पोप ने 148 रन की मास्टर क्लास पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 208 गेंदों में 17 चौके लगाए। तो गेम बजाना पड़ेगा। बेन फॉक्स को अक्षर पटेल ने 34 रन पर पवेलियन भेजा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाकर 316 रन बनाए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में 126 रन की बढ़त हासिल की है। भारत के लिए बुमराह और अश्विन ने 2-2 विकेट और जडेजा अक्षर ने 1-1 विकेट लिया।